हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब कुछ अच्छा है, उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसमें से आपने कहां तक पढ़ा था अभी तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है, तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर एक सीरीज दी गई आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल सा है, देखो कैसे। फर्स्ट में है 7, 13, 19, 205। तो बेटा इसमें सबसे पहले लिखोगे दिया है, गिवन, गिवन क्या क्या दिया है इसमें। हमें फर्स्ट टर्म दिया है, पहला पद दिया है 7, उसके बाद D यानी कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर होता है वो भी दिया है। दूसरे पद से पहला पद घटाओ, चाहे इसमें से इसको या इसमें से इसको, कोई भी एक घटा लो, तो 6 दिया है। इसमें हमें AN दिया है, 205 दिया है, मतलब अंतिम पद, लास्ट पद दिया है। तो भैया सीधी सी बात है बाबू, इनमें एक छोटा सा सूत्र लगाओगे जो हर जगह लगाते आए हो, यही सूत्र लगाओगे, बस इसी में आपका उत्तर पलट के आ जाएगा। AN का मान 205 दिया है, A का मान 7 दिया है, और ये सॉरी N है ना, हाँ, N-1 × D का मान 6 दिया है। हल कर लेंगे, बहुत आसान है, 205 और उधर साइड में जो 7 देख रहे हो ना, ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर N-1 और × 6, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब बच्चा इनको घटाओगे 198 आएगा, ये 6 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर N-1, नीचे दिख रहा है। इनको 6 से काटोगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 33 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 33 = N-1। अब तो तुम समझ गए होगे ना, 1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, 33 + 1 = N, यानी फाइनल में हम यहाँ कहीं छोटा सा लिख सकते हैं कि 34 = N, मतलब कि N का मान कितना आया, 34 आया। हम कह सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने पद हैं बेटा? टोटल 34 पद हैं बाबू, कितने हैं? 34, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी करिए, वेरी फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट है वो भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग काफ़ी परेशान होते हो। और हाँ, जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो PBR Study इलाहाबाद चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और PBR Study का चैनल नंबर 2 पर अगर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो PBR Study का फेसबुक पेज अवश्य फॉलो करें, नहीं देख रहे फिर भी आप फेसबुक पे फॉलो करें, ठीक है। हर जगह एक ही नाम है, PBR Study, जो कि वीडियो के नीचे देखो चल रहा होगा। हाँ चलिए, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है बेटा? ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मार्कर तो मेरा चल रहा है ना, दिख तो रहा है ना तुम्हें, ये -47 है। इसमें भी सब कुछ वैसे करना है, दिया है, गिवन, क्योंकि हम एकेडमिक में हैं तो हमें सिस्टम से लिखना पड़ता है। ए का मान दिया है 18, डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालोगे। देखो ये इसमें से घटाना है, यानी 15 × 1.2 - 18, यही करना है, घटा लो, ये 15 × 2 = 30, 1 = 31/2 हो जाएगा, -18। हल करना तो तुम लोगों को आता है, इतना तो खिलाड़ी हो ही, तो ये हो जाएगा 31 - 36/2। अब मत कहना कैसे आ रहा है, क्योंकि तुम्हें भिन्न हल करना आता है, बराबर -5/2, यानी डी का मान जो आया -5/2 आया, और इसमें AN दिया है, इधर साइड में जगह है तो मैं छोटा सा लिख देता हूँ, नहीं यहाँ लिख लो, चलो AN दिया है -47, ये इतना दिया है, यानी A का मान दिया है, D का मान दिया है, AN दिया है। तो चलो हल कर लेते हैं, क्या करना क्या है भाई, सीधा सा है, ये सूत्र लगाओ, AN = A+N-1 × D, AN का मान -47 है, A का मान 18 दिया है, और +N-1 × D का मान -5/2, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने खोजा है, ये -47 -18 हो जाएगा,
क्योंकि 18 उधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n माइनस वन इंटू माइनस का 5/2, इनको दोनों को जोड़ लो माइनस 65 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस जुड़ जाएगा बराबर n माइनस वन। देखो बच्चा एक चीज़ समझो, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ क्योंकि तुम्हें समझना है तो फिर लाइन बढ़ेगी ना। माइनस का 5/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो भैया देखो इसे साइड में समझ लो, थोड़ा सा जगह तो दिख नहीं रही, चलो समझा देता हूँ। देखो बच्चा ऐसे समझ लो, मान लो ये माइनस 65 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5/2 ना, जो भी है। तो आपको पता है ये माइनस जो 65 था वो तो अकेला है हा? या फिर ऐसे समझ लो, छोड़ो, अगर ऊपर कोई नंबर है नीचे कोई भिन्न अगर भाग में आती है तो उसको क्या करते हैं हम, गुणा का चिन्ह लगा करके इसको पलट सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे ये माइनस 5/2 आ रहा था, इसको हल करना थोड़ा सा आसान नहीं है हाँ, तो इसे हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या पता है तुम्हें, इसको पलट सकते हैं, यानी माइनस 65 और गुणा का चिन्ह लगा करके 2/-5, यानी वो भिन्न में जो अंश था वो हर हो गया, जो हर था वो अंश हो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे एक ठी है एक ठी ऊपर है, 5 से काट दो 13 आएगा हाँ, बराबर n माइनस 1। आपको पता है 13 को 2 में गुणा होगा 26 होगा, कितना होगा 26 होगा, तो ये हो जाएगा 26 बराबर n माइनस 1। अब तो तुम समझ ही गए हो हाँ, 26 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर निकालोगे 27 हो जाएगा भाई। 27 कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो 26 है ये तो ठीक है, माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 27। आप नीचे लिखोगे 27 श्रेणी में कुल 27 पद हैं, कितने पद हैं, कुल 27 पद हैं। समझ में आया ना बेटा, सबको समझ में आया ना बच्चा। तो ये एक छोटा सा क्लास था आपके लिए, आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को लाइक नहीं किया तो बेटा तुरंत लाइक कर दो भाई, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगली क्लास में हम आपको इसके आगे का पूरा सब भी सलूशन देंगे, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हम देखेंगे कितने बच्चे कितना प्यार देते हैं इस क्लास के लिए हाँ। कमेंट करके लास्ट में बताना कि आपको समझ में आया, अगर आया तो यस ज़रूर लिखना हाँ, समझ में आया ज़रूर लिखना, पक्का अगर लिखोगे ना बहुत बेहतरीन क्लास होगी अगली, दिल से निकलेगी हाँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।